गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट साइंस। क्लास फर्स्ट साइंस में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर कीपिंग फिट एंड हेल्दी। इट मीन्स हमारी बॉडी को हम फिट और हेल्दी किस प्रकार से रख सकते हैं। वी शुड कीप क्लीन एंड हैव गुड हैबिट्स। मतलब हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए एंड गुड हैबिट्स, यानी गुड हैबिट्स हमारे होनी चाहिए। द हैबिट ऑफ कीपिंग क्लीन इज कॉल्ड क्लीनलीनेस। मतलब अपने आप को क्लीन रखने की जो हैबिट है उसको क्लीनलीनेस बोलते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप क्लीन। क्लीन रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कीपिंग क्लीन हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड लुकिंग गुड। और क्लीन रहने से हम हेल्दी रहेंगे और गुड लुकिंग, हम स्मार्ट लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेंगे। तो अब बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं उनको कैसे क्लीन रखना चाहिए ये आपको बताते हैं। अवर हैंड्स एंड फीट। सबसे पहले हैंड्स और फीट के बारे में। वॉश हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। टॉयलेट जाने के बाद में हैंड्स को वॉश करना चाहिए सोप से। वॉश एंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हर मील यानी हर खाने के बाद और पहले हैंड्स को वॉश करना चाहिए। वॉश हैंड एंड फीट व्हेन वी कम इनसाइड द हाउस आफ्टर प्लेइंग आउटडोर्स। यानी घर के बाहर जब हम गेम्स खेलते हैं तो उसके बाद जब हम घर में जाते हैं, घर में एंट्री करते हैं, उससे पहले हमें हैंड्स और फीट अच्छे से वॉश करने चाहिए। ओके, नाउ अवर माउथ। वी ईट एंड स्पीक विथ अवर माउथ। हम माउथ से स्पीक करते हैं और ईट करते हैं, फूड ईट करते हैं और स्पीक करते हैं। टू कीप अवर माउथ क्लीन वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें माउथ को क्लीन रखने के लिए पर डे 2 times हमें टीथ को ब्रश करना चाहिए। टीथ को ब्रश करना डे 2 times आफ्टर वी वेकअप, यानी जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब, एंड बिफोर वी गो टू बेड, मतलब रात को सोने से पहले 2 times हमको हमें जो टीथ है वो ब्रश करने चाहिए। फिर अवर नोज को कैसे क्लीन रखेंगे। वी स्मेल एंड ब्रीथ थ्रू अवर नोज। हम स्मेल मतलब हमको स्मेल सूंघते हैं और ब्रीथिंग करते हैं नोज से। सो वी मस्ट कीप अवर नोज क्लीन। इसलिए हमको नोज को क्लीन रखना बहुत ही जरूरी है। ब्रीथिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो हम लाइफ कैसे रहेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें नोज को क्लीन रखना बहुत ही जरूरी है। यूज अ हैंडकरचीफ टू ब्लो द नोज। नोज को साफ करने के लिए हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए। वी मस्ट नॉट क्लीन अवर नोज विथ अ फिंगर। हमें फिंगर से हमारा नोज को क्लीन नहीं करना चाहिए। अवर ईयर्स। ईयर्स को हम कैसे क्लीन रखेंगे। वी हियर विथ अवर ईयर्स। हम ईयर्स से सुनते हैं, कोई बाहर की साउंड वगैरह सब हम ईयर्स से सुनते हैं। वी मस्ट कीप अवर ईयर्स क्लीन। क्लीन रखने चाहिए हमें अपने ईयर्स। आफ्टर अ बाथ, बात करने के बाद में, नहाने के बाद में, ड्राई ईयर्स विथ अ टॉवल्स। मतलब जब हम नहाते हैं या बाथिंग करते हैं तो उसके बाद जो ईयर्स हैं उनको ड्राई टॉवल से अच्छे से ड्राई करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट एनीथिंग इन टू अवर ईयर्स। हमें ईयर्स में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। ओके, पिन है या निडल है, इस तरह से उसको साफ करने के लिए ईयरबड का यूज करना चाहिए। ओके, बाथिंग। अब नहाना। टेक अ बाथ विथ अ सोप टू रिमूव डस्ट एंड स्वीट। हमेशा बाथिंग करने के लिए सोप का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा डस्ट और स्वीट जो हमें पसीना आता है वो सब साफ हो जाए। वाइप द बॉडी विथ अ क्लीन टॉवल। और क्लीन टॉवल से बॉडी को वाइप करना चाहिए, पोंछना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हेयर विथ शैम्पू 2 times इन अ वीक। और हमारे जो हेयर है उनको वीक में 2 times वॉश शैम्पू करना चाहिए, शैम्पू से वॉश करना चाहिए। लुक क्लीन। डू नॉट वेयर डर्टी क्लोथ्स। डर्टी क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। चेंज द क्लोथ्स 2 times इन अ डे। मतलब 2 times डे में 2 times क्लोथ्स चेंज करने चाहिए।
पुट द डर्टी क्लोथ इन टू वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स को रखना चाहिए, कौन सी डर्टी क्लोथ्स को। कीप शू क्लीन बाय ब्रशिंग पॉलिशिंग एंड वॉशिंग दैम, जिस टाइप के हम शूज़ पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ब्रश करना चाहिए या पॉलिश करनी चाहिए या वॉश करना चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन हमको रहना चाहिए। कुल मिला के बात ये बताइए। अ फिट किड, फिट किड यानी बच्चा कौन सा फिट रहता है, इज द वन हु इज हेल्दी एंड एक्टिव, जो हेल्दी होता है, किसी तरह की बीमारी नहीं होती उसको, और एक्टिव हर काम में एक्टिव रहता है। वन कैन रिमेन फिट बाय ईटिंग वेल, खाना अच्छे से खाएंगे, टेकिंग रेस्ट प्रॉपरली रेस्ट लेंगे, एंड स्लीपिंग और सोएंगे, बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड बाय प्लेइंग आउटडोर गेम्स, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और आउटडोर गेम्स घर के बाहर गेम्स भी खेलना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी बॉडी जो है पूरी तरह से फिट और हेल्दी रहेगी। अब स्लीप, सोने के मामले में क्या बताया, देखिए स्लीप गिव अस रेस्ट टू अवर बॉडी, स्लीप यानी सोने से हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। वी शुड कीप स्लीप फॉर 8 to 10 hours एवरी डे, हर मतलब एवरी डे हमको 8 to 10 hours नींद करनी चाहिए, स्लीप रखना होना चाहिए, अपन को सोना चाहिए। वी शुड टेक अ शॉर्ट नैप इन द आफ्टरनून आफ्टर स्कूल, स्कूल में कितना हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उसके बाद एक छोटी सी झपकी दिन में आफ्टरनून में हमको लेनी चाहिए ताकि हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाए और बॉडी भी वापस रिफ्रेश हो जाए, उसमें एनर्जी आती है। नैप थोड़ी सी झपकी, मतलब ज़्यादा देर नहीं सोना है, आधा घंटा हाफ एन आवर या वन आवर हम ले आफ्टरनून में रेस्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है। डू सम एक्सरसाइज इन द ओपन एवरी डे, एवरी डे हमको ओपन मतलब रूफ में कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कर सकते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, ओपन यानी खुले में, बंद मतलब रूम में नहीं करनी चाहिए। ब्रीथ थ्रू द नोज, नोज से ब्रीथिंग करनी चाहिए, नॉट थ्रू द माउथ, माउथ से नहीं। डू नॉट बैंड वाइल रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग करते समय हमको बैंड नहीं होना है, स्टैंड इरेक्ट, स्टैंड इरेक्ट बिल्कुल सीधे खड़े रहना है, एंड वॉक अपराइट आगे की तरफ चलने के लिए बैंड नहीं होना है, इरेक्ट सीधे खड़े होके और फिर आगे चलना है। प्लेइंग इज फन, मतलब गेम खेलने से हमको एंजॉयमेंट मिलता है, रिफ्रेश होती है बॉडी। वी प्ले मैनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन द स्कूल एंड नेबरहुड, हमको स्कूल में और नेबरहुड में हमारे आस पड़ोस में अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने चाहिए, जिससे कि हमारे एक्सरसाइज भी हो जाती है और बॉडी भी फिट रहती है और हमारा दूसरों से मिलना भी हो जाता है, सब बातें हो जाती है। तो इस चैप्टर में आपको बताया है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को किस तरीके से क्लीन करना चाहिए, और डर्टी क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, नीट एंड क्लीन क्लोथ पहनने चाहिए, और स्लीप के बारे में बताया है 8 to 10 hours हमको स्लीपिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल सके, फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, इस सबसे हमारी बॉडी जो है फिट रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे। अब देखिए इसमें मेन क्या बात बताई है, द हैबिट्स ऑफ कीपिंग क्लीन इज कॉल्ड क्लीनलीनेस, क्लीन रहने की जो हैबिट है उसको क्लीनलीनेस बोलते हैं। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमको हमारे टीथ जो है 2 times ब्रश करने चाहिए। वी शुड यूज हैंडकरचीफ टू ब्लो अवर नोज, नोज को साफ करने के लिए हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट एनीथिंग इनटू अवर ईयर्स, ईयर्स में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ईयरबड से ईयर क्लीन कर सकते हैं। स्लीप गिव रेस्ट टू अवर बॉडी, स्लीप पिंग प्रॉपरली स्लीप करने से हमारे बॉडी को रेस्ट मिलता है। एक्सरसाइज कीप द बॉडी फिट, और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है। तो ये जो है नो योर नोज, ये आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, ओके, और पूरा चैप्टर रीड करना है, ये आपका आज का असाइनमेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।